सेकंड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए लगातार 11वीं बार देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसे लेकर देश भर में भारी बहस छिड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से देश एक सांप्रदायिक सिविल कोड के तहत जी रहा है और अब समय आ गया है कि देश को एक धर्मनिरपेक्ष सिविल कोड दिया जाए। उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस बयान पर वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी उनकी राय ली है। हालांकि सिब्बल ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं स्वतंत्रता दिवस के दिन इस तरह के बयानों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आज हम अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि ऐसे विभाजनकारी बयानों पर प्रतिक्रिया देना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मौकों पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि देश की एक बड़ी आबादी मानती है कि वर्तमान सिविल कोड सांप्रदायिक है और लोगों के बीच भेदभाव करता है। मोदी ने कहा है कि अब समय आ गया है कि हम सांप्रदायिक सिविल कोड से धर्म निरपेक्ष सिविल कोड की ओर बढ़े ताकि देश को धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव से मुक्ति मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ UCC नहीं बल्कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन का भी वकालत की। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके इसे साकार करने का आग्रह किया। पीएम ने बताया कि इस पर देश भर में व्यापक विचार विमर्श हुआ है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। इस मुद्दे पर एक समिति ने एक विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है।